नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूँ रिया। पीएमसीएच में इंटर्न डॉक्टर्स के हड़ताल चल रहे हैं। बता दें आपको कि ओपीडी सुविधा को उन्होंने बंद करवा दिया है। कल भी उन्होंने खूब हंगामा किया था और उन्होंने कहा था कि वो कार्य बहिष्कार करेंगे अगर सरकार उनकी मांग को नहीं सुनता है। बता दें वो वेतन वृद्धि की बात कर रहे हैं और इस बात पर अड़े हैं। और सिर्फ पीएमसीएच नहीं, जितने भी राजधानी पटना में कॉलेजेस हैं, सभी जगहों पर हड़ताल चल रहा है। राज्य भर में सब कुछ हो रहा है और मेडिकल कॉलेज में जो है ओपीडी बंद करवा दी गई है। पीएमसीएच में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर मरीजों की भीड़ आप देख सकेंगे। बता दें कि कुल 900 इंटर्न डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चल गए हैं। आपको बता दें ऐसे भी बिहार में डॉक्टरों की खूब कमी है और ऐसे में अगर हम पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों की बात करते हैं, वहाँ ऐसी स्थिति बन गई है तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। ये पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं अपनी मांगों को लेकर। और उनका कहना है कि जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है और हमारे वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, वहाँ के लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। आप कटवाइए ना। अरे तो मेरा कटिए ना, इनका ही नहीं काट रहे तो कैसे उनको काटेंगे। सर हो हेलो, ओ सर जी देखिए, हमारी मांगे यही है बस। हमारी सैलरी जो है एक 500 रुपया रखी गई है, जो आज के डेट में एक लेबर को भी हमसे ज्यादा मिलती है। 600 रुपया आज के डेट में एक लेबर आते हैं तो उनको दिए जाते हैं। तो हमारी मांगे यही है कि बस जैसे हमारे बिहार में 900 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से 100 बच्चों को 26,300 सैलरी दी जा रही है। IGMS जो हॉस्पिटल है वहाँ के इंटर्न को 26,300 सैलरी मिल रही है और हम लोग को 15 क्यों? बाकी स्टेट में अगर हम लोग देखते हैं तो 35,000, 40,000, बहुत कहीं कहीं तो 56,000 भी है। और हमारी मांगे इतनी है, आप देख सकते हैं हम लोग फतुहा ड्यूटी करने जाते हैं यहाँ से, उसके बाद भी हम लोग को 500 मिलता है। हम लोग 200 का पेट्रोल जला रहे हैं, 300 का पेट्रोल जला रहे हैं, उसका 200 रुपये में हम लोग कहाँ से रोजगार कर पाएंगे? बस हमारी मांग यही है कि हमारी मांग थी सैलरी बढ़ाई जाए। जो आपने वादा किया था कि हर 3 साल पे हमारी सैलरी को बढ़ाया जाएगा, बस उसको बढ़ाइए। आज अगर वो सैलरी आज सरकार हम लोग के पास मान लेती है तो कल से हम लोग OPD ओपन कर देंगे। अब जब तक ये पूरी नहीं होगी मांग, तब तक OPD बंद रहेगी। अगर इसी तरीके से रहा तो लास्ट में हम लोग को इमरजेंसी भी थप्पड़ करनी पड़ेगी, इमरजेंसी सेवा को बंद करना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर रोहित हुआ। तो आपने सुना, उनका कहना है कि हमने OPD बंद करवा दी है, 5 साल से स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया और इंटर्न डॉक्टर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बार बार मांग उठाने के बावजूद भी उनके साथ यह सब कुछ किया जाता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें थी पीएमसीएच से। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप दिन भर बने रहें।